माननीय भाई श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता है। हम एक ऐसे प्रेरणा गीत से कर रहे हैं, परम श्रद्धे श्री विनायक दामोदर सावरकर जलाने वाले इस प्रेरणा गीत को आज हम बहुत आदर से उन्हें समर्पित कर रहे हैं, जो हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के गौरव, हमारी भारतीय जनता पार्टी के। जयोस्तुते जयोस्तुते। अब स्वागत की श्रृंखला में अतिथि सत आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय महिला मोर्चा की। अगर ये पहली बार नहीं है, ग्राम स्वराज योजना जो अभियान जो चल रहा है आपको मालूम होगा, पिछली बार भी हर एक साल होता है, मई में होता है, हर साल हम इस बात के लिए 10-15 दिन हम लोग निकालते हैं, गांव में पब्लिक से हम लोग जुड़ते हैं। और जो आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, ये आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी इस देश की माटी से जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति से जुड़ी है। संस्कृति की रक्षा, संस्कृति का संरक्षण अगर कोई कर सकता है, सबसे ज्यादा इस देश की महिलाओं, इस देश की नारियों ने किया है। आपको मालूम है, हमको बचपन में ये बात पढ़ाई जाती थी, एक लड़की को पढ़ाओगे तो पूरे परिवार को पढ़ाओगे, एक लड़के को पढ़ाओगे तो एक आदमी को पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बहनें हैं, अगर वो एक बार जो है एक संकल्प लेकर के गांव गांव जाकर जाएंगी, तो इतना बड़ा जो है आंदोलन देश के अंदर खड़ा हो सकता है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में जितना ज्यादा योगदान जो है हमारी बहनें दे सकती है। देखिए, जो भी बिल लाते हैं, जो भी कानून केंद्र सरकार बनाने का प्रयत्न कर रही है, वो आपको मालूम है इस देश के अंदर चाहे महिलाओं का प्रश्न हो, चाहे जो जिस प्रकार जो आप बात कर रहे हैं कि भगोड़े जो हैं इस देश को लूट करके जो लोग बाहर जाकर बाहर भाग रहे हैं, उनके संपत्ति को जब्त करने का प्रश्न हो, या जो अबोध या जो है नाबालिग बालिकाओं के साथ जिस प्रकार का राक्षस काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो है सख्त कानूनी जो है दंड देने के प्रावधान की बात हो, ये आप मानोगे सब बातें साथ ही चाहते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी इस बात पर है कि ये लोगों की मांग है, जनता जनार्दन की मांग है, जनता जनार्दन की मांग को सुनकर के ही हमारी सरकार इस प्रकार के निर्णय ले रही है। प्रीति गांधी और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ बहुत अनुशासन है, उसी के लिए ये वर्ग रखा गया है यहाँ। और हम पूरे देश से 37 स्टेट्स में से 32 स्टेट्स से लोग आए हैं यहाँ, और सब कोने कोने से आकर यहाँ हिस्सा लिया गया है, सब महिलाओं को। करें रेणु जी को जल्दी। मैं रीधा रशीद हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। देखिए, महिला मोर्चा ये अभ्यास वर्ग है, तो इसमें बोला जाता है, अदर पार्टीज बोलती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, तो महिलाएं सशक्तिकरण कैसे होगा, तो ऐसे ही होगा, जिनको डे बाय डे उनको ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो ये आज का हम लोग का जो ट्रेनिंग हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगा है, और ऐसा होते रहना चाहिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है महिलाओं को सशक्तिकरण पर पहुँचाने के लिए।